कुछ क्षण मौन रहकर महेंद्र ने गंभीरता से कहा, तुम लोग क्या अभ्यास करते हो? भवानंद ने समझाते हुए कहा, देखते नहीं हो, हम लोग सन्यासी हैं। हमारा सन्यास धर्म इसी अभ्यास के लिए है। कार्योद्धार होने और अभ्यास पूरा होने के पश्चात हम लोग फिर गृहस्थ हो जाएंगे। हम लोगों के भी स्त्री कन्या सब है। महेंद्र ने भवानंद के चेहरे पर दृष्टि जमाते हुए कहा, तुम लोग उन सबको त्याग कर माया मोह से परे हो सके हो? भवानंद, संतान झूठ नहीं बोला करते, तुम्हारे सामने मैं मिथ्या बड़ाई करना नहीं चाहता। माया से परे कौन हो सकता है? जो कही कि हमने माया काट दी है, शायद उसे माया ममता कभी रही ही नहीं, या वह मिथ्यावादी है। हम माया से परे नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग अपने इस व्रत की रक्षा करते हैं। तुम संतान बनोगे? महेंद्र, बिना अपनी स्त्री कन्या का पता पाए और मिले मैं कुछ नहीं कर सकता। भवानंद, चलो तुम अपनी स्त्री कन्या को देखोगे? चलो। दोनों शांत होकर राह तय करने लगे। भवानंद ने फिर वंदे मातरम गाना शुरू किया। महेंद्र का गला भी सुरीला था, संगीत में कुछ अभ्यास और रुचि भी थी, अतः वे भी साथ ही गाने लगे। उन्होंने देखा कि यह अपूर्व देश गीत गाते गाते आंखों में जल आने लगता है। तब महेंद्र ने कहा, यदि स्त्री कन्या का त्याग ना करना पड़े तो इस व्रत में मुझे भी दीक्षित कर लो। भवानंद, यह व्रत जो लेता है उसे स्त्री कन्या का त्याग करना ही पड़ता है। यदि तुम यह व्रत लेना चाहोगे तो स्त्री कन्या से मुलाकात करने ना पाओगे। उनकी रक्षा के लिए उपयुक्त प्रबंध कर दिया जाएगा, लेकिन व्रत की सफलता तक उनका मुख दर्शन नहीं मिलेगा। महेंद्र, तब मैं यह व्रत ग्रहण नहीं करूँगा। सवेरा हो गया है। वह जनहीन कानन अब तक अंधकार में और शब्दहीन था, अब आलोक में प्रातःकाल में आनंदमय कानन के आनंद मठ में सत्यानंद स्वामी मृग चर्म पर बैठे हुए संध्या कर रहे हैं। उनके पास में जीवानंद बैठे हैं। ऐसे ही समय महेंद्र के साथ में लिए हुए स्वामी भवानंद वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मचारी चुपचाप संध्या में तल्लीन रहे, किसी को कुछ बोलने का साहस ना हुआ। इसके बाद संध्या समाप्त हो जाने पर भवानंद और जीवानंद दोनों ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पद्धूलि ग्रहण करने के बाद दोनों बैठ गए। सत्यानंद इसी समय भवानंद को इशारे से बाहर बुला ले गए। हम नहीं जानते कि उन लोगों में क्या बातें हुई। कुछ देर बाद उन दोनों के मंदिर में लौट आने पर मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्रह्मचारी ने महेंद्र से कहा, बेटा मैं तुम्हारे दुख से बहुत दुखी हूँ। केवल उन्हीं दीन बंधु प्रभु की ही कृपा से कल रात तुम्हारी स्त्री और कन्या को किसी तरह बचा सका। उन्हीं ब्रह्मचारी ने कल्याणी की रक्षा का सारा वृत्तांत सुना दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, चलो वे लोग जहाँ हैं वहीं तुम्हें ले चले। यह कहकर ब्रह्मचारी आगे आगे और महेंद्र पीछे देवालय के अंदर घुसे। देवालय में प्रवेश कर महेंद्र ने देखा, बड़ा ही लंबा चौड़ा और ऊँचा कमरा है। इस अरुणोदय काल में, जबकि बाहर का जंगल सूर्य के प्रकाश में हीरे के समान चमक रहा है, उस समय भी इस कमरे में प्रायः अंधकार है। घर के अंदर क्या है पहले तो महेंद्र यह देख ना सके, किंतु कुछ देर देखते ही देखते उन्हें दिखाई दिया कि एक विराट चतुर्भुज मूर्ति है। शंख चक्र गदा पद्मधारी कौस्तुभमणि हृदय पर धारण किए सामने घूमता सुदर्शन चक्र लिए स्थापित है। मधु कैटब जैसे दो विशाल छिन्न मस्तक मूर्तियां खून से लथपथ सी विचित्र सामने खड़ी है। बाएं लक्ष्मी आलू लाए कुंतला सतदल माला मंडिता भयत्रस्त की तरह खड़ी है। दाहिने सरस्वती पुस्तक वीणा और मूर्तिमयी राग रागिनी आदि से घिरी हुई स्तवन कर रही है। विष्णु की गोद में एक मोहिनी मूर्ति लक्ष्मी और सरस्वती से अधिक सुंदरी, उनमें से भी अधिक ऐश्वर्यमयी अंकित है। गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षसगण उनकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने अतीव गंभीर अतीव मधुर स्वर में महेंद्र से पूछा, सब कुछ देख रहे हो? महेंद्र ने उत्तर दिया, देख रहा हूँ। ब्रह्मचारी, विष्णु की गोद में कौन है, देखते हो? महेंद्र, देखा। कौन है वह? ब्रह्मचारी, माँ। महेंद्र, माँ कौन? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, हम जिनकी संतान हैं। महेंद्र, कौन है वह? ब्रह्मचारी, समय पर पहचान जाओगे। बोलो वंदे मातरम, अब चलो आगे चलो। ब्रह्मचारी अब महेंद्र को एक दूसरे कमरे में ले गए।
वहां जाकर महेंद्र ने देखा एक अद्भुत शोभा संपन्न सर्वभारण भूषिता जगधात्री की मूर्ति विराजमान है। महेंद्र ने पूछा, यह कौन है? ब्रह्मचारी, माँ जो वहां थी। महेंद्र, कौन? ब्रह्मचारी, इन्होंने यह हाथी सिंह आदि वन्य पशुओं को पैरों से रौंद कर उनके आवास स्थान पर अपना पद्मासन स्थापित किया। ये सर्वालंकार परिभूषिता हास्यमयी सुंदरी है। यही बाल सूर्य के स्वर्णिम आलोक आदि ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री है। इन्हें प्रणाम करो। महेंद्र ने भक्ति भाव से जगधात्री रूपिणी मातृभूमि भारत माता को प्रणाम किया। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखाकर कहा, इस राह से आओ। ब्रह्मचारी स्वयं आगे आगे चले, महेंद्र भयभीत चित्त से पीछे पीछे चल रहे थे। भूगर्भ की अंधेरी कोठरी में ना जाने कहां से हल्का सा उजाला आ रहा था। उस क्षीण आलोक में उन्हें एक काली मूर्ति दिखाई दी। ब्रह्मचारी ने कहा, देखो अब माँ का कैसा स्वरूप है। महेंद्र ने कहा, काली? ब्रह्मचारी, हाँ, माँ काली अंधकार से घिरी हुई काली माँ मई सर्वस्व हरने वाली है, इसलिए नग्न है। आज देश चारों तरफ शमशान हो रहा है, इसलिए माँ कंकाल मालिनी है, अपने शिव को अपने ही पैरों तले रौंद रही है। हाय माँ! ब्रह्मचारी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मचारी, हम लोग संतान हैं, अपनी माँ के हाथों में भी केवल अस्त्र रख दिए। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम कहकर महेंद्र ने माँ काली को प्रणाम किया। अब ब्रह्मचारी ने कहा, इस राह से आओ। यह कहकर वे दूसरी सुरंग में चले। सहसा उन लोगों के सामने प्रातः के सूर्य की किरणें चमक उठी। चारों तरफ मधुर कंठ से पंछी गूंज उठे। सामने देखा एक संगमरमर से निर्मित विशाल मंदिर के बीच सुवर्ण निर्मित दसभुज प्रतिमा नव अरुण की किरणों से ज्योतिर्मयी होकर हंस रही है। ब्रह्मचारी ने प्रणाम कर कहा, ये है माँ, जो भविष्य में उनका रूप होगा। इनके दस भुज दसों दिशाओं से प्रसारित है। उनमें नाना आयुध रूप में नाना शक्तियाँ शोभित हैं। पैरों के नीचे शत्रु दबे हुए हैं। पैरों के निकट वीर केसरी भी शत्रु निपीड़न में मग्न है। सत्यानंद गदगद होकर रोने लगे। दिग्भुजा नाना प्रहार धारिणी शत्रु विमर्दिनी वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी दाहिने लक्ष्मी भाग्य रूपिणी बाएं वाणी विद्या विज्ञान दायिनी हाथ में शक्ति के आधार कार्तिकेय कार्य सिद्धि रूपी गणेश आओ हम दोनों माँ को प्रणाम करें। इस पर दोनों ही हाथ जोड़कर माता का सौम्य रूप निहारते हुए प्रार्थना करने लगे। सर्व मंगल मांगल्ये सिदे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोनों के भक्ति भाव से प्रणाम कर चुकने के बाद भरे हुए गले से महेंद्र ने पूछा, माँ की ऐसी मूर्ति कब देखने को मिलेगी? ब्रह्मचारी ने कहा, जिस दिन माँ की सारी संतानें एक साथ माँ को बुलाएंगी उसी दिन माँ प्रसन्न होंगी। एकाएक महेंद्र ने पूछा, मेरी स्त्री कन्या कहाँ है? ब्रह्मचारी, चलो देखोगे? चलो। महेंद्र, उन लोगों से भी एक बार मैं अवश्य मिलूंगा, इसके बाद उन्हें विदा कर दूंगा। ब्रह्मचारी, क्यों विदा करोगे? महेंद्र, मैं यह महामंत्र ग्रहण करूंगा। ब्रह्मचारी, उन्हें कहाँ विदा करोगे? महेंद्र ने विचार कर कहा, मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरा दूसरा कोई स्थान भी नहीं है, इस महामारी के समय और कहाँ स्थान मिलेगा? ब्रह्मचारी, जिस राह से यहाँ आए हो उसी राह से मंदिर से बाहर जाओ। मंदिर के दरवाजे पर तुम्हें स्त्री कन्या दिखाई देगी। कल्याणी अभी तक निराहार है। जहाँ वे दोनों बैठी हैं वहीं भोजन की सामग्री पाओगे। उसे भोजन करा के तुम्हारी जो इच्छा हो करना। अब हम लोगों में से किसी से कुछ देर मुलाकात न होगी। यदि तुम्हारा मन इधर होगा तो समय पर मैं तुमसे मिलूंगा। इसके बाद ही किसी तरह से एकाएक ब्रह्मचारी अंतर्हित हुए। महेंद्र ने पूर्व परिचित राह से लौटकर देखा, नाट्य मंदिर में कल्याणी कन्या को लिए हुए बैठी है। इधर सत्यानंद एक दूसरी सुरंग में जाकर एक अकेली भूगर्भ स्थित कोठरी में उतर पड़े। वहां जीवानंद और भवानंद बैठे हुए रुपये गिन गिन कर रख रहे थे। उस कमरे में ढेरों सोना चांदी तांबा हीरे मोती मूंगे रखे हुए थे। गत रात खजाने की लूट का माल ये लोग गिन गिन कर रख रहे थे। सत्यानंद के कमरे में प्रवेश कर कहा, जीवानंद, महेंद्र हमारे साथ आएगा,
उसके आने से संतानों का विशेष कल्याण होगा। कारण आने से उसके पूर्वजों का संचित धन माँ की सेवा में अर्पित होगा, लेकिन जब तक वह तन मन वचन से मातृभक्त ना हो तब तक उसे ग्रहण न करना। तुम लोगों के हाथ का काम समाप्त होने पर तुम लोग भिन्न भिन्न समय में उसका अनुसरण करना, उचित समय पर उसे श्री विष्णु मंडप में उपस्थित करना और समय हो या कुसमय हो उन लोगों की रक्षा अवश्य करना। कारण जैसे दुष्टों का दमन और दलन संतानों का धर्म है, वैसे ही शिष्टों का रक्षा करना भी संतानों का धर्म है।